तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग का जो गैलेक्सी A52s वाला मॉडल है दोस्तों, उसके अंदर एक नया अपडेट रोल आउट हो चुका है, या फिर बोल सकते हैं इंडिया में इसका अपडेट रोल आउट हो चुका है। कितने MB का अपडेट है और क्या क्या इस नए अपडेट्स में मिलने वाला है आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग एक गैलेक्सी A52s के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए आपको जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आपको नीचे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाना है, वहाँ डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे चेकआउट कर लेना है। जैसे ही आप चेकआउट करेंगे तो आपको वहाँ पर नया अपडेट अवेलेबल मिल जाएगा। ये रिसेंटली अभी ही आया है, मतलब आधा या एक घंटा पहले ही आया होगा, उससे पहले तो ये कहीं नहीं आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या नया चेंजेस मिलने वाला है। यहाँ पर स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस के बिहेवियर को इम्प्रूव किया गया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया गया है। नीचे तरफ देखेंगे तो यहां पर सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इज नॉट लिमिटेड, डिवाइस स्टेबिलिटी को भी इंप्रूव किया गया, बग फिक्सेस किए गए और कुछ नए एनहांस फीचर्स लॉन्च किए गए। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे ऐप अपडेट इन्फॉर्मेशन, जो नीचे एप्स दी गई हैं, गैलेक्सी वेयरफेयर, सैमसंग ग्लोबल गोल, सैमसंग नोट, सैमसंग इंटरनेट, सैमसंग हेल्थ, स्मार्ट थिंग, सैमसंग मेंबर्स ऐप, सैमसंग वॉलेट, कैलेंडर, स्मार्ट स्विच और वॉइस रिकॉर्डर, सबको ऐप को भी अपडेट किया गया। साथ में आप नीचे की तरफ देखेंगे आपका इसका वर्जन नंबर है 1UI 5.1, जिसको आउट कर रहे हैं, मतलब कि सिक्योरिटी अपडेट दी गई है 1 मई 2023 की, और इसका साइज है 295 MB.53, लगभग 300 MB का ये अपडेट आया है। तो अब इसको कर लेते हैं फाइनली अपडेट। तो फाइनली इसको कर लेते हैं अपडेट। तो अपडेट करने के लिए आपको करना क्या है, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद तो डाउनलोडिंग हो जाएगी। हमेशा एक चीज ध्यान रखना भाई, जब भी मैं हमेशा अपडेट वाले वीडियो बनाता हूँ, हर वीडियो में बनाता हूँ, कि जब भी आप अपने गैलेक्सी डिवाइस या कोई से भी मोबाइल को अपडेट कर रहे हो तो हमेशा उसकी बैटरी को 50% के अबव ही चार्ज रखना चाहिए, या हो सके तो उसको चार्ज पे लगा के ही अपडेट करो, ताकि अगर उसको अपडेट करते वक्त कुछ प्रॉब्लम हुई या ज़्यादा टाइम लग गया तो आपका मोबाइल बीच में बंद नहीं होना चाहिए। अगर बीच में बंद हो जाएगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा कोशिश करें अपने मोबाइल को अपडेट करके ही करें, सॉरी अपने मोबाइल को चार्ज करके ही अपडेट करें। तो ये इसको होने देते हैं अपडेट। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, और इंस्टॉल नाउ के बाद आपको इसको छोड़ देना है, और ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल होने चले जाएगा। बैकग्राउंड पे मोबाइल स्विच ऑफ होगा और वो डाउनलोड होता रहेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोगों को नहीं पता होता, फिर भी आपको रिपीट बता रहा हूँ। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब ये स्विच ऑफ हो तो आपको खुद से चालू करने की कोशिश नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जितना टाइम लेगा ऑटोमेटिक वो चालू होगा। आपको कोई भी उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, जितना भी टाइम लेगा उसके बाद वो ऑटोमेटिक वहाँ पर चालू हो जाएगा। तो उसको प्रॉपर पूरा टाइम दे दीजिएगा चालू होने के लिए। अब इसको अपडेट होने के बाद, इसको पूरा इंस्टॉल होने के बाद फिर बताता हूँ मैं आपको। फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये हो चुका है अपडेट, आपको दिख रहा होगा ऐसा मैसेज मिल जाएगा, आपको ओके कर लेना है। यहाँ पर अपडेट के बाद मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग में ले जाने के बाद आपको वापस जाना है यहाँ पर अबाउट फोन में, एंड देन सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन पे चले जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर 1UI 5.1 ही मिल रहा है। नीचे की तरफ आएंगे तो आपको 1 मई 2023 की यहाँ पर सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर मिल रही है, मतलब कि 1 मई 2023 की इसमें सिक्योरिटी अपडेट हो चुकी है करेंट मंथ की। अब यहाँ पर क्या बोला था उन्होंने कि इस अपडेट में कुछ नया चेंजेस तो नहीं किया गया, बस इन्हांस किए गए कुछ नए फीचर, बग फिक्सेस किया गया, इम्प्रूवमेंट किया गया है और सिक्योरिटी को इम्प्रूवमेंट किया गया। तो फिलहाल हम थोड़ा सा यूज़ करके देख लेते हैं फटाफट सारी ऐप्स खोल के, कि क्या लगता है आपको कैसा ये वर्क कर रहा है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स को खोल लिया है, यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स को खोल लिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी ये सही साइट यहाँ पर चल रहा है, बहुत सारी ऐप्स को मैंने यहाँ पर खोल लिया और ये यहाँ पर सब यहाँ पर खोल लिया। आप यहाँ पर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी ऐप्स को खोल लिया, तो ये अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं फिलहाल तो ये यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें, अगर हम इसकी स्पीड देखें, यहाँ पर भी अच्छी खासी ये स्पीड यहाँ पर दे रहा है, सिग्नलाइजेशन पर भी यहाँ पर अच्छी खासी स्पीड दे रहा है। और अगर हम यहाँ गैलरी में फोटोज़ को सिग्नलाइज करें ऊपर तक, थोड़ा सा अभी तो लैगिंग का इशू आ रहा है, जैसे मुझे लग रहा है हल्का सा लैग तो हो रहा है अभी। इसको एक बार उसको पूरी तरह से स्टेबल होने देते हैं, और अब की नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में इस अपडेट्स के बाद क्या क्या नए मुझे, क्या इसमें बग फिक्स लगे या क्या बग लगे इस अपडेट में, वो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। आज की वीडियो में यही था कि इसमें जो भी नया चेंजेस आया वो कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें मई की सिक्योरिटी का अपडेट आपको मिला है, तो आपको उसको अपडेट कर लेना चाहिए। तो थैंक यू।
उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करें, और अगर आप लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दिया करो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे, ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना ना भूलें। तो थैंक यू।